साइड में गए इधर साइड में करो साइड में लगा दो चल तो भाई लोग ये अभी हम जवाहर टनल के अंदर हैं और यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम रोक के रखा था तो आज का दिन पता नहीं कैसा अजीब ही है, हर जगह हमें रोक रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं जब किस्मत ही हो ऐसी। तो कोई बात नहीं, अब ये हम जवाहर टनल के अंदर से जा, इसकी लेंथ मेरे को पता नहीं है, सो गूगल करके मैं यहाँ पर स्क्रीन में डाल दूँगा। सही बताऊँ टनल के अंदर बहुत ठंड है। सो भाई हम आ चुके हैं टनल से बाहर और ये आ रहे हैं हमारे चाचा भैया और व्यू देखो यार यहाँ, ये इस जगह का नाम है टाइटैनिक व्यू एंड पूरा देख रहे हो कितनी सही जगह है यार। सो गाइस पता नहीं क्या हुआ, चाचा भैया का बाइक का ना इंजन ऑयल लीक हो रहा है, पता नहीं क्यों, देखते हैं इंजन ऑयल लीक हो रहा है या क्या हो रहा है, वो तो अब रुक के पता चलेगा और पहले यहाँ से पहुँच तो जाए कहीं तो पहुँचे। सो गाइस अभी तक हमने सिर्फ 113 किलोमीटर कवर किए हैं और 113 किलोमीटर कवर करने में ही हमें 4-5 घंटे लग चुके हैं अभी तक। सो 8:30 हम घर से निकले थे एंड देख लो अभी कितनी लेट पहुँच रहे हैं इस जगह पे, वरना अगर हमें दूसरे रास्ते से जाने दिया होता ना तो अभी हम श्रीनगर पहुँच भी जाते पता। गाड़ी निकालना है उधर जाम है, आप आगे मत हो जाओ, एक साइड दबा दो गाड़ी। ये कौन है भाई, आज का दिन सबसे ज्यादा एडवेंचर हो गया, पहला दिन ही हो रहा ऐसा, ऐसे सीन्स मिल रहे हैं पहले दिन ही भाई। श्रीनगर पहुंचने में ही इतनी स्ट्रगल लग रही है भाई हमारी, सोचा नहीं था श्रीनगर पहुंचना भी इतना मुश्किल होगा। ओ चलो आ जाओ बीच में खड़ी करता हूं मैं, बीच में खड़ी करेंगे पुकारी इधर। सर जगह है, लो भाई एक घंटा और यहाँ पे हमें वेट करना पड़ा, फिर से यहाँ रुकना पड़ा, आज पता नहीं किस्मत कैसी है अपनी। और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, सीधी धूप पड़ रही है। सो भाई यहाँ से देख सकते हो लेह है 495 एंड श्रीनगर है 72 किलोमीटर और ये फाइनली अब कहीं जाके हमें हाईवे मिला है मेन। तो भाई सही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुकी है। ये है कश्मीर, क्या बात है, आ गए ये देखो, ये तो भाई शुरुआत है, अभी हमने बहुत दूर जाना है। डल लेक यहाँ से सीधे, ठीक है भाई बंदा बोलता पकड़ो इसको। भाई हम फाइनली श्रीनगर पहुँच चुके हैं एंड ये रही हमारे आगे डल लेक। तो फाइनली यार कितनी सुंदर लग रही है, अभी थोड़ी थोड़ी दिख रही है एंड बाकी तो आगे चल के देखते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है बाइक की। ओ भाई साहब गाइस लिटरली यार ये देखो, भाई एनर्जी जितनी भी सारी लो थी ना अब यहाँ पे आके ना सारी एनर्जी आ गई वापस, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे आके। तो ये देखो भाई डल लेक जो हम वीडियोस में देखते थे, दूसरों के चैनल में देखते थे, आज हम खुद अपनी आंखों से ये देख रहे हैं एंड सोच रहे हैं यहीं पे कहीं पे होटल ले लेते हैं। अब होटल हमने ऑनलाइन चेक किया था, ऑनलाइन कुछ खास कोई होटल दिखा नहीं तो हमने डिसाइड कर लिया था कि लाइव होटल ले लेंगे हम। तो देखते हैं अब कौन सा होटल लेते हैं हम एंड भाई साहब मैं बता नहीं सकता यार कितनी सही जगह है। सो फाइनली गाइस हम श्रीनगर में पहुंच चुके हैं एंड अभी हमने ना होटल ले लिया है एंड ये देखो हालत देखो, बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी है। और भाई सच बता रहा हूँ 7 घंटे लगे हमें रूम में आने में, 7 घंटे 7 घंटे हमें उधमपुर से श्रीनगर पहुंचने में लगे हैं। कितने बजे निकले थे हम सुबह निकले थे 8:30 एंड अब जाके कोई 5 बजे हम यहाँ पे श्रीनगर में पहुंचे हैं एंड होटल ढूंढने में कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई और होटल हमें ऑन स्पॉट मिला है, काफी अच्छा रूम है। रूम टूर में आपको देता हूँ और इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ, ये 1400 में हमें मिला है रूम और यहाँ पे 3 बंदे आराम से सो सकते हैं क्योंकि एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, यहाँ पे बहुत अच्छे से सो सकते हैं 3 बंदे एंड हालत बहुत ज़्यादा बुरी है इस टाइम। सो अभी तक हमने सिर्फ 200 किलोमीटर किए हैं
और 200 किलोमीटर में ही हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है ना, तो आगे के 400 किलोमीटर कैसे होंगे वो हमें पता नहीं। तो वैसे तो आज हम जल्दी पहुंच जाते, बस इतने नाकों पे हमें रोका ना, पहले दिन में ही इतने नाकों पे हमें रोक दिया है, तो क्या कह सकते हैं। तो थंबनेल तो बहुत सारे मिले हमें। बस अब यहाँ से फ्रेश होके ना हम सोच रहे हैं बाहर चलते हैं और घूमते, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं डल लेक। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ डल लेक, तो अभी बाहर जाएंगे, डल लेक को भी एंजॉय करेंगे एंड कोशिश करेंगे शिकारा भी बैठने की। भाई ये कुछ ऐसा रूम है हमारा, देखो सामान को इग्नोर करना, और ये देखो बहुत बढ़िया रूम है हमारा। बाथरूम भी दिखाता हूँ आपको, सो बाथरूम भी ऐसा है कुछ ठीक है, मतलब नॉर्मल है, नहीं तो सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो बाकी जो रूम है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, 1400 में एकदम ये रूम ना वर्थ है। और मेरे बालों को इग्नोर करना क्योंकि हेलमेट में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। तो देखो सामान पूरा ऐसे बिखरा हुआ है अभी, सो यही हालत होती है, तो क्या कर सकते हैं। आप निकलते हैं फिर बाहर फ्रेश होकर, फिर मिलते हैं सीधे बाइक पर। तो भाई लोग अभी हम यहाँ से होटल से निकल रहे हैं, हमारा होटल जो है थोड़ी ऑड सी लोकेशन पे है, तो सिटी में तो नहीं है बट जहाँ भी है बहुत अच्छी लोकेशन है। जैसे कि आपने देखा ही होगा होटल की विंडो से भी काफ़ी अच्छा व्यू था। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए एंड हाँ टाइम थोड़ा हो गया लेट, बट क्या कर सकते हैं, अब यहाँ रुके ही थे तो श्रीनगर देख ही लेते थे। बचपन से इच्छा थी कि श्रीनगर देखना है देखना है, तो लो भाई आज फाइनली हम श्रीनगर में हैं। सो भाई हमारा जो होटल है ना वो थोड़ी डल लेक से इस साइड है एंड ये पूरी डल लेक है भाई, यहाँ से देखो क्या व्यू आ रहा है एंड देखते हैं नाइट का कैसा व्यू होता है डल लेक का भी। तो देखते हैं एक्सपीरियंस तो सब कुछ करेंगे आज हम, तो भाई डल लेक चलते हैं सीधे, यही है डल लेक, क्या चलना है देख रहे हो यार, बहुत औसम है यार, ये बहुत औसम है, ऐसा व्यू हमें कहीं नहीं मिलने वाला भाई, देख रहे हो बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ इसको ऐसे देख के। मन तो कर रहा है यहाँ पे हाउस बोट ले लें, लेकिन हाउस बोट की जब हमने प्राइस देखी ना फिर मन किया कि कोई बात नहीं सह लेंगे नेक्स्ट टाइम। अरे बाइक में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था शाशा भैया की बाइक में उनका इंजन ऑयल लीक हो रहा है। तो बस शाशा भैया ने भी अभी देखते हैं कहीं पर शॉप मिलती है कोई तो वहाँ पर जाके ना चेकअप कराएंगे कि क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने जिस कल जहाँ के लिए निकलना है ना वो होने वाला है सबसे डेंजरस रूट हमारे ट्रिप का, तो देखते हैं क्या होता है कल क्या नहीं। सो गाइस फाइनली हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल गया था, तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना भी हमने यहाँ पे खा लिया है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना भी था एंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही थी। तो ये तो प्रॉपर लाल चौक में है, आप देख सकते हो, अगर आप मेरी वीडियो देख के आना चाहते हो तो आ सकते हो, मैं तो ये प्रेफर करूँगा यही आना। सो भाई अभी सीधे होटल ही जा रहे थे एंड ये देखो क्या देखने को मिल रहा भाई, शायद कैमरे में अच्छे से नहीं दिखे जितना अच्छा यहाँ पे लाइव दिख रहा है ना, मत कितने मस्त मस्त होटल हैं यार ये। सो गाइस अभी हम होटल में आ चुके हैं एंड पसीना देख रहे हो, हेलमेट पहनी थी तो इस वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आ रखा था। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आपको शायद ही किसी ने भी ये चीज़ दिखाया होगा, तो शिकारा तो आपको दिन में सब दिखाते हैं लेकिन हमने एक्सक्लूसिव एकदम, तो रात में आपको मेरे को तो नहीं लगता कि किसी ने आपको आज तक उसका व्यू दिखाया होगा, अपनी शक्ल तो दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, लेकिन हाउस बोट वहाँ की जो थी ना, तो व्यू एंजॉय करो। सो गाइज होप कि आपको वो वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को हम आज यही एंड करेंगे, पहला दिन था तो काफ़ी सारा एडवेंचर भी
देखने को मिला, काफी ज्यादा चीजें देखने को भी मिली। अभी गाइस सोचो हम सिर्फ श्रीनगर पहुंचे और इतना एडवेंचर मिला है, अभी तो हमने आगे जाना है। असली एडवेंचर तो भाई कल होने वाला है, कल होगा मेन ज़ोजिला पास क्रॉस। ज़ोजिला पास भाई साहब, अगर वो निकाल दिया ना हम राइड कम्प्लीट करते हैं। उससे सब सही रहे, मैं तो यही चाहूंगा। मेरी थकान थी ना आज पूरे दिन की, शिकारा में बैठे ना वो सारी निकल गई, इतना रिलैक्स फील हुआ ना उस पे बैठ के, तो मजा आ गया बिल्कुल। तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कल का ब्लॉग जरूर देखना, और इस वीडियो को भी लाइक करना और कमेंट करके बताओ आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। पहला वीडियो था तो पहली ट्रिप है साथ में, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ये टेक केयर गाइस, टाटा बाय। उस शिकारा में शायद फोन रह गया हमारा, नहीं 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 वो जो दूसरे वाले बोट थी ना जिसपे हम आए थे, उसमें शायद फोन रह गया हमारा।